घृणा का देवता, कभी तुम प्यार के आवेश में आकर बहुत सरल बन जाते हो और कभी जंगली जंतु की तरह आक्रमण करते हो। तुम्हारे इस प्यार के रहस्य को समझना कठिन हो जाता है। कहते कहते वो उसकी मुखाकृति देखने लगी। उसने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहा, मनुष्य के हृदय में किस समय क्या रहता है इसे कौन जानता है। मन उस सूखे पत्ते की तरह है जो पवन की चंचल गति में पड़कर कब जाने कहां चला जाता है। रो रोकर शीश के अंग भरने वाले दिन मौन होकर किसकी आराधना करते हैं, यह कौन बता सकता है। आज एक सांस में जिस सौंदर्य मदिरा को पी जाने की अभिलाषा होती है, कल उसी में कटुता दिखलाई पड़ती है। वासना पैसों से पाली जाती है। जिसे लोग प्रेम करते हैं वो चमाचम के आवरण में ढंक जाता है। काल्पनिक जगत में विचक्षण करने वाला भावुक वास्तविक जगत का खिलौना बन जाता है। दुनिया की आंखें मुझे देखकर मेरा तिरस्कार करे, यह मेरी अभिलाषा है। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। असंख्य मानव जाति के हृदयों को निचोड़कर चंद्रमा प्रकाश उंडेल रहा था। चांदनी उसके समीप बैठी हुई थी। उसकी नस नस में यौवन का उन्माद भरा हुआ था। मनुष्य अपने आकांक्षाओं की गठरी बनाकर जीवन भर निराशा के पथ पर उसे ढोता रहता है। इंद्रियां शिथिल हो जाती है, वासना निर्जीव हो जाती है, लेकिन ये लाखों वर्ष की बूढ़ी चांदनी आज भी कितने अल्लड़पन से मुस्कुराती हुई प्रश्न पूछ रही है। उसने खिलखिलाकर उससे पूछा, देखती हूं तुम कहीं पागल न हो जाओ। उसने उत्तर दिया, पागल होने पर यदि शांति मिलती। उसने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा के पास एक सफेद बादल का टुकड़ा मंडरा रहा था। चांदनी ने उसकी काली माँ को धोकर उसे उज्जवल बना दिया था। वो एक तक देखने लगा। किसी समय अपने बचपन के दिनों में उसने इसी तरह के बादल के टुकड़ों को पशु, पहाड़, पक्षी आदि की आकृति बनते बिगड़ते देखा था। आज केवल एक टुकड़े में वह ऐश्वर्य की रंग बिरंगी पुतलियों की छवि देख रहा था। चांदनी पर्दा हटा रही थी। प्रकृति गंभीरता का आकार बनाए खड़ी थी। प्रथम किरणें जिस समय आकाश के हृदय में दौड़ी थी, उस समय कौन आया था। आज युगों की गोद में बैठने वाली स्मृति अपनी तालिका दिखा रही थी। एक के बाद एक इस तरह कितने ही चित्र सामने आए और विलीन हो गए। रात्रि अपना तीन खंड समाप्त कर चुकी थी। सफेद बादल के टुकड़े में घृणा की एक विशाल मूर्ति अपने हाथों से सबको नष्ट भ्रष्ट करके अटल खड़ी थी। वो ध्यान से देखने लगा। चांदनी सन्नाटे की चादर ओढ़कर विदा की तैयारी कर रही थी। कुछ देर में यह समस्त प्रकृति का खेल छिन्न भिन्न हो जाएगा। प्रत्येक क्षण संसार की नश्वरता की ओर संकेत कर रहा था। कलह और द्वंद्व का साम्राज्य अपने अस्तित्व को स्थायी बनाने की चेष्टा कर रहा था। वह हंसा। उस हंसी में भयानकता की आत्मा पुकार रही थी। उसने देखा, रात यू ही जागते ही कट गई है। इस तरह कितने दिन व्यतीत हुए हैं। अब जीवन का कोई कार्यक्रम नहीं रहा। घृणा की ज्वाला जल रही थी। मनुष्य की चिता जलकर राख हो जाती है, लेकिन यह अनंत काल तक जलती रहेगी। विश्वासघात, कुटिलता, दूसरे को हाहाकार के पंजे में जकड़ देने की कामना, यह सब कैसी अद्भुत पहेलियां हैं। इनका मनुष्य ने स्वयं निर्माण किया है अथवा विधाता की सृष्टि के साथ ही ये आए हैं। प्रभात की लाली ऊपर उठी, चांदनी शिथिल हो निशाकर से विदा लेकर विश्राम के लिए कहीं जा रही थी। उसकी संपूर्ण कहानी सुनने के बाद भी चांदनी निष्ठुरता के साथ खिसक गई। सूर्य के प्रखर प्रकाश के साथ वह उठ बैठा। उसकी आंखें लाल थी। उसने देखा, आकाश झुलसा हुआ था। सब कुछ इसी तरह नष्ट करके विधाता का विचित्र खेल किस दिन विध्वंस होगा। दिन पर दिन उसका शरीर ढलता चला गया। मानव समाज से घोर घृणा करते हुए वह कैसे अपने को ही मिटा देने के लिए तुला हुआ था। बदले की प्रवृत्ति नहीं थी।
डॉक्टरों का मत था कि नई का पूर्ण आक्रमण उसके ऊपर हो चुका है, उसे अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करना होगा, अन्यथा उसका अंत बहुत शीघ्र होने वाला है। लेकिन उसे इसकी परवाह न थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब जीवन का शेष समय किसी पहाड़ पर व्यतीत करना ठीक होगा। नगर के कोलाहल की ध्वनि अनायास ही अपने बाहुपास में पाना चाहती है। झूठी सहानुभूति में स्वार्थ की प्रतिमा अपना विकृत मुंह दिखा रही थी। उसका 2 मास पर्वत मालाओं के ऊपर व्यतीत हुआ। प्रकृति के मनोरम चित्रों में प्रतिदिन वह कुछ अन्वेषण करता। यहां पर भी मनुष्यों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। यह नई का रोगी समस्त वायुमंडल दूषित कर रहा है, इसे यहां से निकाल देना होगा। सब सशंक होकर उसकी ओर देखते। वह दिन रात खांसता रहता। उस दिन दया की एक मूर्ति उसके सामने आई। उसने कहा, भाई यहां बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए आते हैं, तुम्हारा यह रोग उनके लिए घातक हो सकता है, अतएव कृपा करके यह स्थान छोड़ दो। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। संध्या समय वह घर से निकला। एक पत्थर के टीले पर बैठकर वह सोचने लगा। चारों तरफ पहाड़ गिरे हुए थे, खाई से बादल निकल रहे थे। उसने देखा पहाड़ की ऊंची रेखाएं आसमान का आलिंगन कर रही थी। पश्चिमी कोनों में संध्या अपनी लालिमा एकत्रित कर रही थी। वह तन्मय होकर देखने लगा। क्षण भर में खांसी आई और उसके मुंह से रक्त की धारा निकली, जैसे उदास संध्या अपने साथ लेकर न जाने कहां विलीन हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी थी घृणा का देवता। कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा।